रिलेशनशिप, बट वी डोंट रियलाइज एंड समटाइम्स वी फील कि आई एम डूइंग एवरीथिंग टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है और हम रियलाइज नहीं कर पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है। इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी मैं अपने रिश्ते सुधार नहीं पा रही हूँ। तो इस समय ऐसा होता है कि अगर हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं तो भगवान हमारे सामने मिरर्स भेजते हैं, आईने भेजते हैं, और वो आईने क्या है, लोगों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में। एंड इन लोगों के रूप में जो आईने आते हैं, यदि हम ध्यान दें तो हम रियलाइज करते हैं कि उन्हें देखकर और उनके सामने हमारा जो बिहेवियर हो रहा है वो हमें कुछ ना कुछ रियलाइज करवा रहे हैं। हम उस परिस्थिति को ब्लेम करते हैं या उस व्यक्ति को ब्लेम करते हैं कि उनके कारण आज हमारा ये बिहेवियर हो रहा है या हमारा मूड ऐसा है, मगर एक्चुअली वो हमें सिर्फ आईना दिखा रहे हैं कि हमारा मूड ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो हम नॉर्मल वे में रियलाइज नहीं कर सकते, मगर यदि हम इस व्यक्ति को आईना के रूप में देखें तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे अंदर ही कुछ ऐसी एस्पेक्ट है, कुछ ऐसा हमारे अंदर कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो हम पहचान नहीं पाए हैं। और यदि हम एक बार उसे पहचान जाएं तो हमारा जो बाहरी रिश्ता है उस परिस्थिति से या उस व्यक्ति से वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट आईना है जो इन्होंने बताया, दैट इज कॉल्ड द मिरर ऑफ वाइब्रेशन। मिरर ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट डू आई मीन बाय मिरर ऑफ वाइब्रेशन? प्रेजेंट मोमेंट में हमारा जो वाइब्रेशन है वो ही हमें मिरर के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अभी जो मेरा वाइब्रेशन प्रेजेंटली है, कोई ना कोई परिस्थिति या कोई ना कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है जो हमें रियलाइज करवाता है कि मेरा ये वाइब्रेशन है प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं घर से निकल रही हूँ और मेरा मूड खराब है, किसी बात पर मेरा मूड खराब है, मैं गुस्से में हूँ, घर में कुछ हुआ है, मैं लिफ्ट में जाती हूँ, लिफ्ट मैन मुझसे रूडली बात करता है, फिर मैं नीचे उतरती हूँ, सपोज ऑटो रिक्शा में बैठती हूँ, ऑटो रिक्शा भी मुझे रूडली कुछ कह देता है, फिर मैं जहाँ भी जा रही हूँ, सपोज मैं किसी बैंक में जा रही हूँ तो बैंक के जो वो है वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे जो मैं काम करवाना चाह रही हूँ वो भी बड़े इरिटेटेड है, तो हम मैं क्या सोचूंगी आज क्या बात है, आज सबका मूड इतना खराब क्यों है, यही आएगा ना हमारे मन में, हमें लगेगा आज सबका ही मूड खराब है, जो मिल रहा है उसी का मूड खराब है, मगर एक्चुअली क्या बात है मालूम, हमारे अंदर जो था ना वही ये लोग हमें मुझे दिखा रहे हैं। और यदि मैं उस समय 2 मिनट के लिए यदि हम शांत हो जाए और सोचे झांके अपने अंदर कि बात क्या है, आज हमारा मूड क्या है, तब हमें समझ में आएगा आज मेरा ही मूड खराब इसीलिए ऐसा हो रहा है। यदि हम अपने आप को शांत करके वापस यदि उसी बैंक में जाते हैं तो देखिए कैसे उन ऑफिसर्स का बिहेवियर चेंज होता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मेरी डॉटर 2 दिन पहले ऑफिस गई, लास्ट वीक तक ऑफिस में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था जो उसका मूड ऑफ हो रहा था बार बार कि पीपल्स बिहेवियर इज नॉट सो गुड, पीपल्स बिहेवियर इज नॉट सो गुड, आई डोंट लाइक इट। एंड सडनली कल आके बोलती है, मामा टुडे एवरीबडी वॉज बिहेविंग वेरी नाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई कुड नॉट एक्सप्लेन टू हर, बट आई रियलाइज दैट वीकेंड के बाद शी वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, सो हर मूड वॉज वेरी गुड, that's why everybody around her were behaving so well. So this is the first mirror, which is a mirror of vibration, which shows us that if our vibration, whatever level our vibration is at, people will reflect that only. So jab bhi hame lag raha ho ki log humse galat tarike se baat kar rahe hain ya humse irritated ho rahe hain,
हमें उसी समय यदि अवेयरनेस आ जाए और हम एक मिनट के लिए अपने अंदर झांके, तो हम रियलाइज कर लेंगे। और एक बार हम रियलाइज कर लेंगे और हम रिएक्ट करने की बजाय कुछ पॉज ले, अपने मन को शांत करें, ऑटोमेटिक हमारे आसपास सब कोई शांत हो जाए। आप लोग ये ट्राई करके जरूर देखें, इट इज वेरी इफेक्टिव। मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, हम हाउसवाइफ लोग का होता ही है ना, लाइक मूड ऑफ हुआ, घर वालों पे निकाला एंड फिर देखते हैं कि सभी लोग इरिटेटेड हो गए हैं। तो ये भी मैंने देखा कई बार कि जिस दिन मेरा मूड ऑफ है, अगर मैंने मेरा वाइब्रेशन वैसा है तो सबका वाइब्रेशन भी वैसे ही है। और हमें लगता है आज मेरा मूड खराब है तो सब लोग का मूड खराब क्यों। तो क्या आप लोग अग्री करते हैं? आप लोगों ने ऐसा फील किया कभी कि ऐसा होता है आपके साथ भी? होता है ना? ना कुछ हम दूसरे का भी मूड खराब करते, अपना भी मूड खराब कर देते सर। हाँ एग्जैक्टली। तो यदि हमें कभी भी लगे कि आसपास सबका मूड खराब है तो अपने आप को देखें, इंस्टेड ऑफ जजिंग देम कि करने की जगह अपने आप में पहले झांक के देखें क्या मेरा मूड ठीक है। और एक बार हमें समझ आ जाएगा तो आसपास भी सब ठीक हो जाएगा। So this is the mirror which we first mirror which we should recognize. This will help to improve our relationships with others. Agree, everyone? Yes, miss. Yes. So we'll talk about the second mirror some other time. Now we'll do some meditation because already we have less time, 20 minutes. Okay. So everyone, ready for meditation? अपने अपने चश्मे उतार लें और अपने अपने स्थान पर कंफर्टेबल हो जाएं। हो सके तो बैक स्ट्रेट करके बैठें और नहीं तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर लाएं। ऑब्जर्व करें आपके शरीर में इस पल क्या हो रहा है। पूरे ध्यान से अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, क्या कहीं कोई सेंसेशंस हो रहे हैं या कहीं कोई दर्द हो रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करें और बने रहे उन सब सेंसेशंस के साथ। धीरे धीरे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। जब हम अपना ध्यान अपने शरीर पर लगाते हैं तो वह अपने आप ही रिलैक्स होने लगता है। अब अपना ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों पर लाएं। सांसों को देखें, ऑब्जर्व करें
हर अंदर आती सांस को देखे, हर बाहर जाती सांस को देखे। हर अंदर आती सांस हमारे भीतर प्राण शक्ति लेकर आती है। हर बाहर जाती सांस हमारे भीतर से सारी चिंताएं, सारा भय, सारे स्ट्रेस को बाहर निकाल देती है। बने रहे अपनी सांसों के साथ। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें भी सिर्फ ऑब्जर्व करें। वे आते रहेंगे और चले जाएंगे। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है। हर सांस के साथ आप अपने भीतर गहराइयों में पहुंच रहे हैं। उन गहराइयों में जहां आपकी पुरानी यादें दबी हुई हैं, जिन्हें आप भूल गए हैं, हर सांस के साथ इन गहराइयों में आप उतर रहे हैं। महसूस करें इस शांति को जो आपके भीतर है। बने रहे शांति के साथ कुछ पलों के लिए। इसी शांति की खोज में हम भटकते रहते हैं, मगर यह हमारे भीतर ही है। अब मैं चाहूंगी कि आप ऐसी कोई घटना याद करें, कोई ऐसा दिन जब आपका मूड अलग ही था। और आपके साथ साथ
आपसे जुड़े हर व्यक्ति का भी मूड वैसा ही था। याद करें उस घटना को और उस एक व्यक्ति को, जिस पर आपने अपना गुस्सा भी निकाला था। आने दे उस व्यक्ति की छवि अपने सामने और अपने आप को बताएं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक आईना था। जो आपको दिखाने आया था कि आज आपके भीतर का क्रोध बाहर निकल रहा है, उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, वह तो सिर्फ एक आईना था। इस घटना को याद करते हुए इससे जुड़े भावनाओं को ऊपर आ जाने दें और उन्हें रिलीज करें। जिस भी रूप में आप रिलीज करना चाहें, यदि आपको क्रोध आ रहा है, यदि आपको रोना आ रहा है, निकल जाने दें उन भावनाओं को। ताकि आप अंदर से हल्के हो जाएं। अब आपका वाइब्रेशन चेंज हो गया है। अब वापस उस व्यक्ति को देखें अब क्या आपको क्रोध आ रहा है उस पर। अब उस व्यक्ति को आईने के रूप में स्वीकार करें, उसे गले लगाएं। और उसे रिलीज करेंगे। अब अपने आप को देखें, अपने भीतर झांके, कैसा फील कर रहे हैं आप। अपने भीतर के वाइब्रेशंस को पहचानें। पुनः अपने भीतर की उस शांति को महसूस करें। यही शांति आज आप अपने आसपास के वातावरण में महसूस करेंगे, क्योंकि आपके भीतर की यह शांति ही बाहर से रिफ्लेक्ट होगी। शांति की भावनाओं को, स्थिति को अपने साथ लाते हुए धीरे धीरे
तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अपना ध्यान अपनी नॉर्मल सांसों पर लाएं। जागरूक हो जाएं अपनी बॉडी के प्रति, अपने कमरे के प्रति। प्रेजेंट मोमेंट में लौट करा रहे हैं आप। फाइव काउंट्स में पूरी तरह से लौटेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। ये दोनों हाथों को रब करके आंखों पर रखें।